अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप आप लोग भी ठीक ठाक होंगे और ईद बहुत अच्छी से गुजर रही होगी। और आप लोग सोच रहे होंगे ये लॉन्ड्री क्या हो रही है सुबह सुबह, और वो भी ईद के सेकंड डे पे। आपको पता है जब भी ट्रैवल करके आते हैं और जो भी चीज़ें मेरे साथ जाके वापस आती हैं ना, जब तक मैं उनको वॉश ना कर लूँ मुझे तसल्ली नहीं होती। और यहाँ पर वॉशिंग का ही सब काम चल रहा था और मैंने सोचा कि ईद का सेकंड डे है तो चलें जी फिर मटन पुलाव रेडी कर लेती हूँ। और यहाँ पर आपको सारे क्रूड फॉर्म के मसाले नज़र आ रहे हैं, मोटी इलायची, छोटी इलायची, साथ में ये जो है लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा, साबुत धनिया, दालचीनी, तेज़पत्ता, लहसुन अदरक का पेस्ट है, जायफल जावित्री मेरे पास पड़ी हुई थी मैंने वो भी ऐड कर दी। और मैं आपको कौन कौन से मसालों के नाम बताऊं, जितने भी क्रूड फॉर्म के मसाले हैं मैंने सबके सब ऐड कर दिए। उसमें मैंने सौंफ थी वो भी ऐड कर दी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, साथ में गरम मसाला पाउडर, यानी पाउडर फॉर्म के भी मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए। मुझे लेमन भी नज़र आ गया, मैंने सोचा लेमन भी ऐड कर देती हूँ। साथ में ये जो आपको हरा हरा नज़र आ रही है मैंने पुदीना भी ऐड कर दिया। मुझे ऐसे लगता है कि अगर राइस में पुदीना और लेमन ऐड कर देंगे ना तो खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर कॉर्न्स और साथ में मैंने रेड चिली भी ऐड की है, इसलिए मैं यहाँ पर ग्रीन चिली कम ऐड करूँगी। और मैं ज़्यादा बारीक नहीं काटती ग्रीन चिली के, मुझे ये डर था कि बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी ना हो जाए, ऑब्वियसली फिर बच्चे ज़्यादा तंग करते हैं खाने में। तो यहाँ पर हमारी यखनी रेडी हो गई थी और ये देखिए मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है और ये जो हमारे मटन के पीसेस थे इनको मैंने निकाल के सेपरेट कर लिया और बाकी की जो मोटी मोटी चीज़ें थी मसाले वगैरह वो मैंने सब डिस्कार्ड कर दिए। यखनी हमारी बहुत मज़े की बन गई थी और मेरे पास 2 ग्लास चावल थे तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 4 ग्लासेस ऑफ यखनी रिक्वायर्ड थे और मेरा एस्टिमेट बिल्कुल ठीक था, ये तकरीबन 4 ग्लासेस ऑफ यखनी के ही थे। अगर कम हो जाता है तो मैं फिर पानी वगैरह थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं होता। यहाँ पर जी मैंने अनियन ऐड कर दिए हैं और अनियन को अच्छे तरीके से हमने ब्राउन करना है। जब ब्राउन हो जाते हैं तो उसके बाद भी पानी ऐड करते हैं और इस चीज़ का मुझे बहुत लेट पता चला था। मैं यही सोचती रहती थी कि मेरे चावलों का कलर इतना अच्छा क्यों नहीं आता जैसे लोगों का आता है। तो ये इतनी सिंपल सी बात थी कि भई हमने अनियन को ब्राउन करना है और फिर वाटर ऐड करके उसका कलर निकालना है और वही कलर राइस का आ जाता है। यहाँ पर मैंने जब अनियन ब्राउन हो गए उनका कलर निकाल कर जो मैंने मटन के पीसेस रखे थे वो ऐड कर दिए। साथ ही मैंने टोमेटो, एक मैंने टमाटर लिया था और साथ में जो है ये योगर्ट आपको नज़र आ रहा है, इन सब चीज़ों को मैंने डाल के अच्छे तरीके से भुना था। और आई थिंक मुझे सिर्फ सॉल्ट ऐड करने की ज़रूरत महसूस हुई थी, नमक थोड़ा सा कम था और अगर नमक कम हो जाए ना राइस में तो फिर मज़ा नहीं आता। नमक और मिर्च वगैरह आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। और क्योंकि जो यखनी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग गई थी उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मसाले ऐड कर दिए थे तो मुझे नहीं ज़रूरत फील हो रही थी कि मैं मज़ीद और मसाले ऐड करूं। तो यहाँ पर देखिए मैं जो टोमेटोज हैं उनको भी मैश करने की कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएं। और फिर यहाँ पर मैंने 4 ग्लासेस ऑफ यखनी जो मैंने निकाल के रखी थी वो ऐड कर दी है और इसको आपने तकरीबन बॉयल देना है 5 मिनट्स तक, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। और उसके बाद हमने ऐड कर देने हैं राइस और राइस ऐड करने के बाद यू नो कि जो सिंपल सा प्रोसीजर होता है जब पक जाते हैं तो जी दम पे कर देना है हमने 10 to 15 मिनट्स। दम के बाद जब आप खोलेंगे राइस तो देखें जी कुछ ऐसा मंज़र होगा मज़ेदार सा और बहुत टेस्टी बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी। यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि प्रॉपर गल गए हैं तो जी अच्छे वाले राइस गल गए थे। साथ में मैंने इंस्टेंट वाला रायता बना लिया था क्योंकि ज़ाहिर है सूखे सूखे राइस ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। अच्छा तो जी ये जो कप्स आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली मैंगो है और इसका ये जो मेथड है ना ये इन्वेंट किया है मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने काटा है और जो बीच में गुटली थी ना वो हमने अलीन को खिला दी। जितने भी मैंगोज़ की गुटलियाँ निकल रही थी हम अलीन को खिलाते जा रहे थे और ख़ुद हमने मैंगो इस तरह से इंजॉय किया, रियली बहुत मज़ा आया और हाथ भी गंदे नहीं हुए। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अपने एक फ्रेंड की तरफ, उन्होंने
एकदम से बस टी पर ही बुला लिया कि चलें जी चाय वगैरह साथ पीते हैं, तो क्योंकि ईद के दिन में खाली हाथ जाते इंसान अच्छा नहीं लगता, तो भी मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा चलें जी क्रिस्पी क्रीम के डोनट्स ले लेते हैं। एक पैक मैंने बच्चों के लिए ले लिया कि रात में कहीं निकलेंगे लेट नाइट तो बच्चे ये खाकर इंजॉय कर लेंगे, और एक पैक मैंने अपने फ्रेंड के लिए ले लिया। यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी फ्रेंड की तरफ, और बहुत अच्छा मज़े का उसने अरेंजमेंट किया था, चाय पीने का बहुत मज़ा आया। और चाय तो छोड़ें, जो गपशप होती है ना हमारी, मतलब उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसके बाद हम लोग आगे थे पार्क में, और ये मैं पार्क में बैठी हुई हूँ। यहाँ पर आप देख लें जी, ये अरूश आ गई है, अलीन और अरमान। यहाँ पर थोड़ी सी वॉक की, बच्चों ने कुछ स्विंग्स वगैरह लिए, और यहाँ पे देख लें अलीन ने उसको जो है ना सख्त हाथ लगा दिया और वो रोने लगी थी। और इसके बाद अलीन को डांट भी पड़ी थी कि आपने क्यों अरूश को इस तरह से पकड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह एकदम से मूड ख़राब होते हैं और एकदम से मूड जो है ना सेट भी हो जाते हैं, तो शुक्र है अरूश ने ज़्यादा शोर नहीं मचाया। चलें, देखा ना गिरने लगी थी, बस यही सब होता है। अच्छा, इनके ना यहाँ पर शूज़ कंफर्टेबल नहीं थे, इन्होंने सैंडल्स पहनी हुई थी, तो मुझे चांस नहीं मिला था कि मैं चेंज करवा लेती, तो बच्चे कुछ यहाँ पे रिज़र्व थे, तो हमारे साथ यहाँ ट्रैक पर ही आके वॉक कर रहे थे बजाय कि जाके जो है अपने झूले वगैरह लेते। आप भी बोलें ईद मुबारक। अगेन से फीलिंग है। हाँ नहीं बेटा, रिबा आ रही है, उषा आपको लेना है, डू यू वांट रिबा? वाला मुझे लग रहा है ये सिंपल ही अच्छा, मैं सिंपल लूंगी। ये देख रहे हो इसमें बहुत ज्यादा फीलिंग, इस पे शुगर और आइस। चलो खाते हैं, चलो अगर अच्छा मौसम होता तो कॉफी पीते। सही बात। वापसी पर बस ये ब्रोस्ट वगैरह ले लिए क्योंकि मुझे पता था कि घर जाते जाते बच्चों को भूख लग जानी है। राइस मैंने सिर्फ इतने ही बनाए थे कि बस फ्रेश फ्रेश खाए जाएं, और मटन पुलाव वगैरह तो मुझे सेकंड टाइम अच्छा नहीं लगता, उतना ही बनाया जाता है जितना खाया जाता है। व्हाट इज दिस सुरुश? आई एम स्टडीइंग माय थिंग। आई टेक वन आईडिया। आई एम नॉट अ नोट कमांडर। ये आईडिया? Yes. She's putting her that we will throw them. Now you're cooking. Usha, stove on kare. Where is your pots? I will fix it. You होपफुली आज के व्लॉग आपने इंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह कल और परसों के थोड़े आउटिंग के प्लान्स हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ जल्द ही व्लॉग्स शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी। अनटिल देन टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।